गाइस, सो आई एम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक पर, दैट इज़ हाउ टू बिकम एंड्रॉयड डेवलपर या फिर अ कंप्लीट रोड मैप टू एंड्रॉयड डेवलपमेंट। सो यही आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। इसे मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी आपको पढ़नी चाहिए, किसको वो टेक्नोलॉजी पढ़नी चाहिए, किसको नहीं पढ़नी चाहिए। इसके अलावा सिस्टम में क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स हैं, आप कैसे इसके थ्रू मनी अर्न कर सकते हो, ये सब चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्नोलॉजीज़ की। तो हमारे पास यहाँ पर तीन टेक्नोलॉजीज़ हैं फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट, दैट इज़ जावा, कॉटलिन एंड फ्लूटर। सो अब मैं आपको बताऊँगी कि जावा, कॉटलिन एंड फ्लूटर किस किस को सीखना चाहिए और किसको नहीं सीखना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं जावा की। तो अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो उस टाइम पर, यानी कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, फिर आप BCMCA कर रहे हैं, या फिर आप फ्रेशर हैं लुकिंग फॉर अ जॉब, या फिर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब, या आप थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में, तो आपको जाना चाहिए फॉर जावा। इसका रीज़न क्या है? सो गाइज, वी ऑल नो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू हैव अ ग्रेट टीचर, एंड आई गेस दैट्स वाई यू गाइज कम टू माई चैनल टू लर्न, राइट? तो ऐसे ही कुछ ग्रेट टीचर्स को मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ जो कि इस टाइम पर अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं, जैसे कि संकेत सिंह, तनुज खट्टर, अर्जुन अरुल, पुलकित छावड़ा, रिया बंसल एंड मेनी मोर। इसमें अगर आप देखो तो संकेत सिंह इस टाइम पर लिंक्डइन में प्लेस्ड हैं एंड इसरो में एज अ फॉर्मर इंटर्न वर्क कर चुके हैं, एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गूगल समर ऑफ कोर 2019 एज अ वर्क कर चुके हैं। तनुज खट्टर हैं जो कि ICPC वर्ल्ड फाइनलिस्ट रहे हैं 2017-18 में, एंड गूगल फेसबुक में वर्क कर चुके हैं। अर्जुन अरुल जो कि ICPC वर्ल्ड फाइनलिस्ट रहे हैं अगैन। पुलकित छावड़ा कोड फोर्सेस में टॉप रैंकर्स में से रहे हैं। रिया बंसल जो कि इस टाइम पर फ्लिपकार्ट में हैं। दीपक गौर जो कि अगैन ICPC वर्ल्ड फाइनलिस्ट रहे हैं। सो ये एडुकेटर्स वो हैं जो ऐसा कुछ कर चुके हैं जो आप करना चाहते हो। सो दे आर द बेस्ट पीपल हु यू कैन लर्न फ्रॉम। इस टाइम पर अन अकेडमी ने लॉन्च किया है प्लेसमेंट 2021 क्रैक कोडिंग इंटरव्यू 6 month बैच, जिसको ले रहे हैं संकेत सिंह एंड अर्जुन अरुल। अब दिस इज़ द हाई टाइम फॉर द प्लेसमेंट, सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू चेक दिस बैच थॉरली एज यू माइट जस्ट गेट वॉट यू नीड टू क्रैक योर प्लेसमेंट राउंड। सो आपको ये लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर आप इसको सब्सक्रिप्शन लेना है तो यू जस्ट हैव टू क्लिक इट हियर। सो अगर आप मेरा सब्सक्रिप्शन कोड दैट इज़ दीपाली11 यूज़ करते हैं तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट। और अगर यहाँ इसके अलावा यहाँ पर फ्री क्लासेस भी हैं, तो अगर आप फ्री क्लासेस देखना चाहते हो तो वहाँ पर भी आपको दीपाली11 कोड यूज़ करना है, जिससे आपकी जो फ्री क्लासेज वो अनलॉक हो जाएंगी। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू गाइस कि अगर आप प्लेसमेंट प्रिपरेशन करना चाहते हो प्रॉपरली, सो जस्ट गो फॉर इट। कि जावा अगर आप सीखते हो तो आपके पास मींस केवल एंड्रॉयड डेवलपमेंट पाथ नहीं रहता है कि अगर आपको एंड्रॉयड में जॉब नहीं मिल पाई तो आप मतलब बेकार हो जाओगे, ऐसा नहीं है। जावा अगर आप सीखते हो तो आपको उसके थ्रू आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी जा सकते हो, एज अ फुल स्टैक डेवलपर आप काम कर सकते हो, राइट? एंड एंड्रॉयड डेवलपर तो आप कर ही सकते हो। तो अगर आप जावा सीखते हो तो आपको प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करेगा कि जो भी कंपनीज आएंगी, जिस भी तरह की कंपनीज आती हैं, क्योंकि देखो एज अ फ्रेशर आप क्या करते हो, मैं तो यही प्रेफर करती हूँ, मैं यही सजेशन देती हूँ कि आप जो भी कंपनी आपके कॉलेज में आती है, अच्छी कंपनी आती है, तो आप उसमें बैठो, ठीक है? एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, राइट? तो जो भी कंपनी आती है आपके कॉलेज में, और अगर वो जावा तो मोस्टली कंपनीज जावा पे काम कर रही हैं, राइट? तो अगर जावा आपको आती है तो आप वहाँ पर जाके और भी टेक्नोलॉजी सीख सकते हो। आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट में भी जा सकते हो, आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में भी जा सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी जा सकते हो। तो आई सजेस्ट यू टू गो फॉर जावा अगर आप फ्रेशर हैं या फिर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं जॉब के लिए। सेकेंड हमारे पास ऑप्शन है कॉटलिन का। तो कॉटलिन उन लोगों को सीखना चाहिए जो मुझे लगता है कि जो केवल एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं। ये सब देखो, ये सब जो डेटा है ये सब बहुत ही रिसर्च करके मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ, ठीक है? बहुत सारे ऐसे जो इस टाइम पर एंड्रॉयड डेवलपर हैं या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, उन सब से डिस्कशन के बाद मैंने अपना ये जो डेटा है कलेक्ट किया है और आपको मैं ये चीज़ बता रही हूँ, ठीक? तो कॉटलिन उन्हीं लोगों को सजेस्ट किया जाता है जो ईगरली वॉन्ट टू गो फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट, क्योंकि ये देखो कॉटलिन के थ्रू आप किसी और डेवलपमेंट में नहीं जा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड आपके पास रह जाता है। तो अगर आपने सोचा हुआ है कि मुझे तो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में ही जाना है, वो भी एंड्रॉयड डेवलपमेंट में ही जाना है, तो यू शुड गो फॉर कॉटलिन। कॉटलिन जावा के कंपैरिजन में इजी है, न्यू टेक्नोलॉजी है, ऑल दो बहुत सारी कंपनीज़ ने इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है और इसके पैकेजेस भी हाई हैं क्योंकि बहुत कम डेवलपर्स हैं कॉटलिन के। बट बस यही है कि आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है एंड्रॉयड डेवलपमेंट का। थर्ड है फ्लूटर। फ्लूटर बेसिकली एक हाइब्रिड
टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप एंड्रॉयड एंड iOS दोनों ही एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हो। तो अगर आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में ही जाना चाहते हो जिसमें कि आप एंड्रॉयड एंड iOS दोनों को ही डेवलप करना चाहते हो दोनों की एप्लीकेशंस को, तो यू कैन गो फॉर Flutter। तो अब बात आती है कि अब मैंने आपको ये बता दिया कि किस किस को पढ़नी चाहिए कौन सी टेक्नोलॉजी, बट अगर आप मेरा सजेशन लेते हो तो यू शुड गो फॉर जावा फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट। क्योंकि देखो जावा से आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे अगर आप जावा लेते हो, तो एक तो आपको आपके पास ऑप्शंस रहेंगे दूसरे यू नो फील्ड में जाने के लिए भी, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जैसे मैंने आपको बताया और फुल स्टैक इन में भी जा सकते हो, राइट। आपको प्लेसमेंट प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा कि अगर आप DS एंड एल्गो ये सब पढ़े हो तो वहाँ पर भी आपको ये पूरा हेल्प करेगा जावा। तो मैं बिग थम्स अप दूंगी टू जावा। नेक्स्ट आता है हमारे पास अब डेटाबेसेस यूज्ड फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो SQLite, MySQL एंड Firebase ये जनरली यूज्ड हमारे पास डेटाबेसेस हैं। SQLite तो आपका एक लोकल डेटाबेस है जो कि आपके फ़ोन की मेमोरी को ही यूज़ करता है। तो अगर इनिशियल लेवल पे जब आप सीखना स्टार्ट कर रहे हो डेटाबेस को फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट, तो यू कैन लर्न SQLite जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ओके हाउ यू कैन एक्सेस द डेटा, राइट। MySQL एंड Firebase इनमें से आप दोनों में से कुछ भी सीख सकते हो, बट आई प्रेफर टू गो विथ Firebase क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड डेटाबेस है और आजकल जनरली जो कंपनीज़ हैं वो Firebase का ही यूज़ कर रही हैं। तो यू शुड गो फॉर Firebase इफ़ यू आर लुकिंग फॉर डेटाबेसेस यूज फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ यू कैन मेक मनी बाय एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो आपके पास तीन ऑप्शन हैं। पहला तो आपके पास ऑब्वियसली जॉब कि आप एंड्रॉयड डेवलपर बन चुके हो और यू आर डूइंग जॉब। सेकेंड ऑप्शन इज़ फ्रीलांसिंग। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जैसे कि अपवर्क हो गया, फजब है, ये सब हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। आप उनके लिए जो भी क्लाइंट्स हैं उनके लिए एंड्रॉयड ऐप्स को डेवलप कर सकते हो और वहाँ से मनी अर्न कर सकते हो। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास प्ले स्टोर ऐप जिसमें कि आप एडमॉप या फिर इन परचेज ऐप के थ्रू अपने जो मनी है वो आप अर्न कर सकते हो। सो ये तीनों ही ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, जो भी आपको मिले आप इनमें से चूज़ कर सकते हो। तो अगर आप स्टूडेंट हैं इस टाइम पे कॉलेज कर रहे हैं और आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट आप सीख चुके हैं तो यू शुड गो फॉर फ्रीलांसिंग आप स्टार्ट करो। और इसके अलावा कुछ साइड बाई साइड अपने लिए भी आप एंड्रॉयड ऐप डेवलप कर रहे हो तो आप उनको प्ले स्टोर पर भी अपलोड कर सकते हो एंड उसके थ्रू भी आप मनी अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट इज स्टडी मटेरियल कि अब हमें पढ़ना है। हम ये सब कुछ हमने देख लिया कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, कैसे मनी बनाना है, कौन से डेटाबेस हमें यूज़ करना है। बात आती है कहाँ से पढ़ना है। तो सबसे पहले तो गाइस मैं आपको बताती हूँ कि आपको कब से पढ़ना स्टार्ट करना है कि अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो। तो देखो अगर आप सेकेंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में तो आपको बीटेक फर्स्ट ईयर में या BCA में MCA में आपको पढ़ाया जाता है जनरली सी। सेकेंड ईयर में आप स्टार्ट कर सकते हो पहले जावा पढ़ना। सेकेंड ईयर में आप जम के जावा पढ़ो, जावा को बहुत अच्छे से पढ़ लो। और थर्ड ईयर से आप फिर स्टार्ट करो एंड्रॉयड डेवलपमेंट, ऐप्स डेवलप, छोटी छोटी ऐप्स डेवलप करना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपने बहुत अच्छी सी बड़ी सी ऐप बना ली, ऐसा नहीं है। स्टार्ट करो छोटे छोटे प्रोजेक्ट से, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, जो ऑलरेडी ऐप्स अवेलेबल हैं उनको उनकी क्लोनिंग स्टार्ट करो। हाँ, जैसे कि टू डू लिस्ट ऐप हम लोग यूज़ करते हैं तो आप उसका क्या कर सकते हो, उसकी क्लोनिंग कर सकते हो। इस तरीके से करके आप क्लोनिंग करो और आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे आप चीज़ों को ऐड कर सकते हो, कैसे फीचर्स ऐड कर सकते हो, कैसे आप वहाँ पर सिक्योरिटी ऐड कर सकते हो। ये सब चीज़ें आप सीखते जाओगे वन बाई वन। तो सेकेंड ईयर में पहले आप सीखो जावा अच्छे से और फिर थर्ड ईयर में आप स्टार्ट कर सकते हो एंड्रॉयड डेवलपमेंट। ओके, तो अगर स्टडी मटेरियल की बात करूँ तो सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारे पास गूगल डॉक। तो गूगल डॉक में मैं आपको दिखाती हूँ दिस वन। आप जनरल गूगल पे टाइप करो एंड्रॉयड डेवलपमेंट बाय गूगल, तो आपके पास ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा जिसमें आपके पास ये बेस्ट प्रैक्टिसेस आ रही हैं और जो जावा डेवलपर के जो कोर डेवलपर टॉपिक्स हैं वो सब यहाँ पर आ रहे हैं जिनको इन्होंने इन डिटेल डिस्कस किया है। इसके अलावा मैंने भी अपने चैनल पर, जैसे मैंने दूसरा ऑप्शन आपको दिया है फॉर माई स्कॉलर्स ऑब्वियसली, तो जावा मैंने बेसिक से स्टार्ट करके पूरा दिया है अपने चैनल पर, तो आप उसको देख सकते हैं। जो जावा की प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट का बेसिक भी वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट के बेसिक टॉपिक्स बताए हैं एंड डेटाबेस में आपको मैं अभी तक SQLite बता चुकी हूँ। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे Firebase। तो आप इनमें से जहाँ से भी आपको समझ में आता है, गूगल डॉक से, फॉर माई स्कॉलर से, यू कैन चूज एनी ऑफ द ऑप्शन। ओके, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, मेरे पास इसके लिए भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं कि सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि मैम हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। तो ऑब्वियसली आपको एक लैपटॉप रिक्वायर्ड है, एक एंड्रॉयड फ़ोन रिक्वायर्ड है, आपके लैपटॉप में एटलीस्ट 4GB RAM होनी चाहिए, जावा इंस्टॉल होनी चाहिए, एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल होना चाहिए।
एंड यू आर गुड टू गो. दिस इज़ ऑल अबाउट एंड्रॉयड डेवलपमेंट रोड मैप टू एंड्रॉयड डेवलपमेंट. क्या क्या चीज़ें आप रिक्वायर्ड हैं सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है इन डिटेल. बट अगर आप एट दी एंड मेरा सजेशन पूछते हो तो आई सजेस्ट यू टू गो विद जावा, क्योंकि बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है ये. बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलती हैं. आप अगर आपको जावा आ जाती है तो आप बाकी लैंग्वेजेस भी बहुत आसानी से सीख सकते हो, क्योंकि इसमें आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट भी आ जाते हैं. और अगर आप डी एस एल्गोरिथम यूजिंग जावा सीखते हो तो बहुत ही अच्छी बात है. इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है आपके लिए अगर आप आप एक स्टूडेंट हो या फिर जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो. थैंक यू, गुड लक.